हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 10.2 की। प्यारे बच्चों, यदि आपने इससे पिछला वाला वीडियो देखा होगा प्रश्नावली 10.1 का, तो आज प्रश्नावली 10.2 में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आने वाली। प्यारे बच्चों, हम डायरेक्टली लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ थ्योरम है, कुछ प्रमेय है, वो प्रमेय हम लोग नहीं पढ़े हैं, परंतु जब जिस सवाल में जहां पर उस प्रमेय की जरूरत पड़ेगी प्यारे बच्चों, वहां पर उसकी जो है व्याख्या कर दी जाएगी। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले, आप अगर चैनल पर नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट सवाल आपको दिखाई पड़ रहा होगा 10.2 का। सबसे पहला सवाल आपका बहुविकल्पी है, वो क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, सवाल को पढ़िए और आइए हम लोग हल करते हैं। आप लोग उसको देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक बिंदु से एक वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यानी ऐसा समझो प्यारे बच्चों, अगर हमने कहा कि ये कोई वृत्त हो गई, ये कोई क्या हो गई प्यारे बच्चों, वृत्त हो गई, और जिसका केंद्र O मान ले और जिसकी त्रिज्या क्या मान ले, R मान ले। ठीक, अब क्या कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो रेखा यहां से हम खींचेंगे, इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर होगी, और O तथा Q की केंद्र से दूरी, मतलब यहां कोई बिंदु Q है, यहां पर कोई बिंदु Q है, और इसकी जो केंद्र से दूरी है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। कितना है प्यारे बच्चों, 25 सेंटीमीटर है। और यहां से जो स्पर्श रेखा है, वो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि आपको वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। प्रश्न में आपसे पूछा है वृत्त की त्रिज्या, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी आपको फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों। बिल्कुल आसान से हम ज्ञात कर सकते हैं, हमने पढ़ा है कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पे सदैव लंबवत, यानी सदैव 90 अंश का कोण अंतरित करती है। तो कोण के सामने वाली भुजा विकर्ण कहलाती है, और ये वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो आपको आधार ज्ञात करना है, तो आइए हम लोग आधार आराम से ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करें तो क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय से, कि बड़ी भुजा का वर्ग, तो OQ का वर्ग बराबर शेष दो भुजाएं कौन है, यहां P मान ले, तो यहां QP का वर्ग हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, OP का वर्ग। आइए जो वैल्यू प्राप्त है उसको रखिए, O से लेके Q की दूरी कितनी है, 25 है, और QP Q से लेके P की दूरी कितनी है, 24 है, और OP O से लेके P की दूरी कितनी है, R है। तो बोलो इसका वर्ग करोगे तो 625 आएंगे, और इसका वर्ग करोगे तो 576 आएंगे। ये आ जाएगा आर का स्क्वायर, ये इधर आ जाए तो 625, ये प्लस इधर आएंगे तो माइनस आ जाएंगे 576 बराबर आर का स्क्वायर। प्यारे बच्चों इनमें से घटा दिया जाए, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ 11 में से 7 घटा देंगे 4 आ जाएगा, मतलब 49 आएगा। अब इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाता है, और इधर केवल आर बच गया, ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो 7 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो आपसे पूछ रहा था कि इस वृत्त की त्रिज्या बताओ, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। अब जो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे होंगे उसी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, आपका वो ऑप्शन सही होने वाला है। और ऐसा सवाल आपके हाई स्कूल के एग्जाम में बहुविकल्पी में एक प्रश्न जरूर पूछता है प्यारे बच्चों, तो आप इसको डीपली से देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वही आपका 7 दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 का, जो कि आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा। क्या कर रहा है आकृति में, तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले प्यारे बच्चों आकृति की, तब आगे सवाल की बात करते हैं। प्रश्न में आपके आकृति दी गई है कुछ, तो गाइज आपके प्रश्न की आकृति ये दी गई है। अब सुनिए क्या कर रहा, आकृति में यदि टीपी और टीक्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, और यदि पीओक्यू 110 अंश हो, तो पीटीक्यू यानी ये वाला कोण किसके बराबर होगा, यही पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो हम बिल्कुल आसान से सॉल्व कर लेंगे,
एक आपके इसी अध्याय में एक प्रमेय दिया है, क्या होता है कि जब भी कोई वृत्त पे, जब भी किसी वृत्त पर एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया जाता है, चक्रीय चतुर्भुज मतलब जिनकी जो चारों भुजाओं से घिरा हो, तो जब किसी भी वृत्त पर चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण किया जाता है तो आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात ये और ये दोनों 180, ये दोनों 180। तो लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज चतुर्भुज या ऐसा, हाँ चूंकि चतुर्भुज पी ओ क्यू टी एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्या है प्यारे बच्चों, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब बताओ जब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोण 180 अंश होंगे, तो क्या होगा, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू प्लस पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू बराबर कितना, 180। अब पी ओ क्यू की वैल्यू दिया है 110 और पी टी क्यू की वैल्यू नहीं पता, यही तो आपको ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, बराबर 180। 110 को हम उधर कर देते हैं तो यार प्लस वाला उधर जाता है, तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस, तो 180 माइनस 110, तो माइनस कर देंगे तो एंगल पी टी क्यू बराबर क्या आ जाएगा भैया, 70। तो आप मिलाइए, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 70 से मिल रहा है प्यारे बच्चों, वही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही था, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, फिर हम बातें करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 3 दिखाई पड़ रहा होगा, क्या कह रहा है कि यदि एक बिंदु पी से होकर ओ केंद्र वाली किसी वृत्त पर पीए और पीबी स्पर्श रेखा रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो पी ओ ए किसके बराबर होगा। ठीक, तो आइए गाइस हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं, आ जाइए ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो प्रश्न कहा है, पहले हम उसका एक आकृति बना लेते तब हम आपको सवाल को समझा रहे हैं। ये कोई वृत्त हो गया भैया, फिर आगे क्या करा है? कि जिसका केंद्र ओ हो, जिसका केंद्र क्या हो, ओ हो, फिर उसके बाद क्या करा कि इससे खींची गई दो ठो स्पर्श रेखा है, एक एक ये स्पर्श रेखा है और एक स्पर्श रेखा ये है। ठीक प्यारे बच्चों, अब ये जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है उस बिंदु का नाम पी ए, पी है। ठीक, अब आपको दिया है कि ये वाला जो एंगल है वो कितना है प्यारे बच्चों, 80 है। ये आपके प्रश्न में दिया है कि ये दोनों रेखाएं 80 अंश के कोण पे झुकी हुई है, 80 अंश के कोण पे क्या हुई है, झुकी हुई है। बात समझ रहे हैं आप? अब आपसे कह रहा है कि आप ए, फिर आगे क्या कह दिया, बी, फिर आपसे पूछ रहा है कि पी ओ ए, पी ओ ए तब होगा जब हम इसको आधे आधे पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। आप समझ पाए, यानी आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल आपको ज्ञात करना है। आपके प्रश्न में क्या कहा कि कोई वृत्त है, कोई वृत्त है जिसका केंद्र ओ है और इस पे दो स्पर्श रेखाएं, एक पी ए और एक पी बी 80 अंश के कोण पर झुकी हुई है, तो बताओ पी ओ ए का मान। तो पी ओ ए का मान निकालेंगे, हम लोगों ने इस वाले कोण को बराबर से डिवाइड कर दिया, मतलब एक लंब खींच दिया, तभी तो हमको पी ओ प्राप्त होगा ना। तो आइए सबसे पहले अगर हम POA ज्ञात करना चाहते हैं तो मुझे टोटली यहां से लेके यहां तक का टोटल एंगल पता होगा, तब हम POA ज्ञात कर लेंगे। जब हम टोटल एंगल प्राप्त कर ज्ञात कर लेंगे प्यारे बच्चों, तो आधे आधे डिवाइड कर देंगे तो हमको अगला वाला एंगल मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि यार ये तो एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब जब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो बस अब वहीं से हम निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए ध्यान से देखते हैं भाई, इस एंगल का नाम है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी,
एंगल ए पी बी बराबर 180 अंश। ठीक। अब ए ओ बी का मान नहीं पता है, यही तो ज्ञात करना है। प्लस ए पी बी कितना है, 180 है, बराबर 180, ये सॉरी 80 है, ये 80 वाला उधर गया, प्लस 80 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 80 हो जाएगा। तो 180 माइनस 80 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 100। तो एंगल ए ओ बी बराबर कितना आ गया, 100। आपको तो ये ज्ञात नहीं करना है, आपको ज्ञात करना है एंगल पी ओ ए। बिल्कुल ज्ञात कर ले रहे हैं, एंगल पी ओ ए, जो एंगल पी ओ ए है वो ए ओ बी का आधा है, आधा इधर है आधा इधर है। तो हम लिख देंगे 1/2 एंगल ए ओ बी। अब ए ओ बी की वैल्यू रख देते हैं, 1/2 × 100 कैंसिल कर दें तो 50। तो एंगल पी ओ ए का मान 50 डिग्री आया, चाहे पी ओ ए बताइए चाहे पी ओ बी कहिए, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 50 आएगा। तो आप इसका आंसर जरूर मिला लीजिए अपने ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या है, करेक्ट है। तो गाइस चौथा प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, चौथा प्रश्न कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। यानी क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि कोई वृत्त है, कोई वृत्त है, उस वृत्त के व्यास पर, उस वृत्त के व्यास पर, व्यास मतलब जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दे, ठीक, व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हो गई प्यारे बच्चों, एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक स्पर्श रेखा ये हो गई। कह रहा कि आप सिद्ध करो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। पहले नाम तो दो इनको, पी क्यू आर और एस, और जो वृत्त का व्यास है वो ए और बी। समझे आप, इतनी बात आप समझे। तो जो आपने रचना किया है वो जरूर लिखेंगे। माना कोई वृत्त है जिसका व्यास ए बी है, उस पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू और आर एस है, इतना लिखना पड़ता है। क्या लिख देते हैं प्यारे बच्चों, माना कोई वृत्त है, माना कोई क्या है, वृत्त है, जिसका जो व्यास है, जिसका व्यास वो कितना है, ए बी है, जिसका व्यास ए बी है, ठीक, व्यास पे खींची गई स्पर्श रेखा क्रमशः पी क्यू और आर एस है। तो व्यास पर खींची गई, व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्रमशः, स्पर्श रेखा क्रमशः पी क्यू व आर एस है, ठीक। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, सिद्ध करना है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है आर एस के, तो पी क्यू पैरेलल आर एस के। तो प्यारे बच्चों हम इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहते हैं जो कि आपको यह सवाल आसान कर देगा, वो क्या है कि कक्षा 9th में हमने पढ़ा था कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनके बीच खींची गई, उनके बीच खींची गई तिर्यक रेखाओं के, तिर्यक रेखा या कुछ भी एक रेखा हो, तो बने जो एकांतर कोण होता था प्यारे बच्चों, यदि एकांतर कोण समान होता है तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती है। यही चीज बताया गया था, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं भैया, एक बार आप ध्यान से समझिए, कक्षा 9th की क्लास में ये लाइन आपको बताई गई है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके जो एकांतर कोण हैं उनके बीच में खींची गई तिर्यक रेखा पे बनने वाला एकांतर कोण आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, तभी वो एक दूसरे के पैरेलल होती है भैया। यानी हम कह दें कि अगर ये कोण 40 है तो ये भी क्या होगा, 40 ही होगा। अगर हमने कहा प्यारे बच्चों यहां पर अगर ये एंगल 60 है तो ये भी एंगल क्या होगा, 60 होगा। जब ऐसी स्थिति आती है तब हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अब आप बताइए, आइए अब हम सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, ए बी यहां तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। आप बताओ वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के व्यास पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है प्यारे बच्चों,
90 अंश का कोण अंतरित करती है ना। अभी आपने इसे सबसे पीछे सभी सवालों में आपने यही पढ़ा कि वृत्त की स्पर्श रेखा है वृत्त के व्यास पे समकोण अंतरित करती, करती नहीं करती भैया बताओ, ये पी ए स्पर्श रेखा ना, 90 अंश कोण। अब बताओ ये भी तो स्पर्श रेखा है, ये भी इस पे कितने अंश का कोण अंतरित करेगी, 90 अंश का। अब बताओ एकांतर कोण, ये ऐसे बना ना, एक इधर हो गया अपोजिट अपोजिट, तो ये दोनों क्या है एकांतर कोण, और दोनों क्या है 90 है, दोनों बराबर हैं, तो जब दोनों बराबर हैं अतः ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या है पैरेलल है, लिख देंगे। चूंकि पी ए बी, पी ए बी ए बी एस, चूंकि पी ए बी बराबर एंगल ए बी एस, क्यों बराबर है भैया, दोनों क्या है 90 अंश है, ठीक बराबर है, अतः अतः लिख देंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण समान है, क्या है एकांतर कोण समान है प्यारे बच्चों, जब एकांतर कोण आपका समान है अतः लिख देंगे, अतः अतः पी क्यू पैरेलल होगा आर एस के, पी क्यू पैरेलल होगा आर एस के। तो उम्मीद है कि आपको यह चौथा प्रश्न जरूर समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बातें करते हैं आगे प्रश्न की। तो गाइस आपका पांचवा नंबर प्रश्न कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बिल्कुल आसान सा सवाल है, आप ध्यान लगा के केवल देखिएगा, आपको सवाल समझ में आ जाएगा। सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, क्या कर रहा है स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। यानी प्यारे बच्चों जो पांचवा सवाल है वो आपसे जो कहना चाह रहा है उसको हम समझा रहे हैं। देखो ये कोई वृत्त हो गया, ये कोई वृत्त हो गई, ठीक। अब ये वृत्त पे एक खींची गई स्पर्श रेखा हो गई, इस स्पर्श रेखा का अगर नाम देना चाहते हो तो ए या ए और बी दे दिए, ठीक। अब ये जहां स्पर्श कर रही उसे हम स्पर्श बिंदु का नाम देते हैं पी। अब क्या करा देखो, स्पर्श बिंदु से डाला गया लंब, स्पर्श बिंदु से डाला गया लंब, स्पर्श बिंदु से जो डाला गया लंब है वो ये हम बात कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि स्पर्श बिंदु से डाला गया लंब क्या है PQ है। अब करा कि ये जो PQ है ना वो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, यही आपको सिद्ध करना। तो वृत्त का केंद्र क्या है O है, वृत्त का केंद्र क्या है O है। तो अगर हम रफली समझे प्यारे बच्चों तो इसको रफली हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम देख पा रहे होंगे जो QP है, जो ये Q से लेके P तक आपने लंब खींचा है वो AB पर लंब है, AB पे क्या है लंब है। अब अगर AB पे लंब है प्यारे बच्चों तो एक बात ध्यान से देखना कि इसी QP पर जो आपने QP लंब डाला है इसी लंब पर ये जो बिंदु O है वो भी स्थित है और जो कि वृत्त का क्या है केंद्र है। तथा हम लिख सकते हैं कि अतः हम यहां लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि स्पर्श बिंदु से डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक। तो ये चीज हम यहां पर लिखेंगे, आइए ध्यान से समझते हैं क्या लिखेंगे, रचना में क्या लिखेंगे, रचना में लिखेंगे माना कोई वृत्त है, ठीक, जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, ठीक, जिसका केंद्र क्या है O है, तथा स्पर्श रेखा, तथा स्पर्श रेखा AB है, स्पर्श रेखा क्या है AB है, और स्पर्श बिंदु, और स्पर्श बिंदु क्या है P है, स्पर्श बिंदु क्या है P है, P से डाला गया लंब या स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से डाला गया लंब, डाला गया लंब PQ है, PQ है, क्या है प्यारे बच्चों PQ है, अर्थात अर्थात हम यहां लिख सकते हैं कि जो PQ है
वो लंब है एपी पर, या ए बी भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, पी क्यू लंब है एपी पर, ये इस पे लंब है, तो अतः लिख सकते, आगे लिखेंगे, चूंकि जो ओ है, चूंकि ओ पी क्यू रेखा पर ही स्थित है, लिख दे रहे हैं, चूंकि बिंदु ओ, ध्यान से देखिए, बिंदु ओ डाले गए लंब पी क्यू पर स्थित है, पी क्यू पर स्थित है, किस पे स्थित है प्यारे बच्चों, पी क्यू पर स्थित है। अब बताओ, जब ये पी क्यू पर स्थित है ये बिंदु ओ, अतः लिख देंगे, अतः इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु से डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। यह है प्यारे बच्चों आपके प्रश्न का जवाब। ठीक, ये रहा आपके पांचवें प्रश्न का जवाब। थोड़ा सा थ्योरी टाइप था प्यारे बच्चों, परंतु आपको लिखना पड़ेगा इतना। ठीक, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बातें करेंगे प्रश्न नंबर 6 का। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, छठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, क्या कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। प्यारे बच्चों बहुत ही गजब सवाल है, अभी आपने ऐसा सवाल जो है जस्ट पहले वाले सवाल में पढ़ा था, ये कोई वृत्त हो गया और ये वृत्त हो गई, और वृत्त से ये कोई एक बिंदु है जो कि कितने दूरी पर स्थित है प्यारे बच्चों, कितनी दूरी पर स्थित है, 5 सेंटीमीटर दूर पर स्थित है, यानी कह रहा है कि वृत्त के केंद्र ओ से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित कोई बिंदु ए है ना, उसके बाद कह रहा कि इसके स्पर्श रेखा की लंबाई, इसके स्पर्श रेखा की लंबाई, तो प्यारे बच्चों इसके जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर है। तो आगे पूछ रहा वृत्त की त्रिज्या बताओ, वृत्त की क्या बताओ, त्रिज्या बताओ। तो प्यारे बच्चों वृत्त की त्रिज्या यानी ओ से लेके पी ज्ञात करना, ओपी ज्ञात करना है, ओपी ज्ञात करना, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से ओपी का मान निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बताइए जरा सा। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा कौन है, एओ का वर्ग, शेष दो भुजाएं कौन है, एपी है, कौन है, एपी है, एपी का वर्ग, और प्लस कौन हो जाएगा, ओपी का वर्ग। चलिए अब एपी की वैल्यू आपको पता है, देखिए एपी की वैल्यू पता है 4 और ओपी की वैल्यू नहीं पता, यही तो आपको ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। एओ की वैल्यू पता है 5, तो 5 का वर्ग करेंगे 25, इधर आ जाएगा 4 का वर्ग 16 प्लस ओपी का वर्ग, अब ये प्लस 16 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा बराबर ओपी का वर्ग, 25 में से 16 घटा दे 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा ओपी का वर्ग, इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, ये आ जाएगा ओपी, इसकी अंडर रूट से बाहर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो भैया ओपी बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 3 आ गए। तो इस प्रकार जो इस वृत्त की त्रिज्या होने वाली है वो कितना होगी, 3 सेंटीमीटर होगा। तो आप चाहो तो उसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। आपको 7वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, क्या कह रहा है कि 2 संकेंद्री वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यानी बहुत ही गजब सवाल है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या कर रहा है कि 2 संकेंद्री, संकेंद्री का मतलब है यार ऐसे दो वृत्त जिनके केंद्र समान है। चलो ध्यान से देखो, मैंने कहा एक वृत्त ये बना लेते हैं छोटा वाला वृत्त, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर ना। अब इसी को केंद्र मान के एक बड़ा सा वृत्त बना ले। देखो भाई आप लोग वृत्त पे ना जाइएगा, सवाल पे देखिए और आपको सरल सरल कॉन्सेप्ट मिलने वाले, बस चलिए
एक वृत्त हो गए। अब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इसका नाम ओ, इसका नाम ए। अब ध्यान से देखिए, अब वो क्या कर रहा था कि हमको बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात कर, जीवा की लंबाई ज्ञात करना, परंतु उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है, छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है। तो प्यारे बच्चों देखिए, छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करने का एक ही कंडीशन है कि अगर हम कुछ जीवा इस प्रकार खींचे तो ये जीवा छोटे वाले वृत्त को स्पर्श कर रही, कर रही कि नहीं कर रही? कर रही है ना प्यारे बच्चों। बस अब इसका नाम अगर हम दे दें ए और इसका नाम दे दे बी। अब आप कह रहे होंगे सर ये भी ए, तो थोड़ा सा हम लोग इसको बदलते हैं। ये जो त्रिज्या है वो त्रिज्या हम चाहे जहां खींच सकते हैं प्यारे बच्चों, केवल केंद्र से होकर गुजरनी चाहिए। तो वो त्रिज्या हम लोग ए कुछ इस प्रकार खींच देते, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, तो अगर हम इसका नाम दे दे पी, क्या नाम दे दे? पी। तो अगर आप देख पा रहे होंगे जो ओपी है, ओपी जो है वो लंब है एबी पर, लिखेंगे ओपी लंब है एबी पर, ओपी लंब है एबी पे। अतः हम यहां कह सकते हैं कि जो आपकी पीबी है वो एपी के क्या होगा? बराबर होगा। अतः पीबी बराबर क्या होगा? एबी। इधर की दूरी और इधर की दूरी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। अब आपको पूरा ज्ञात करना, एबी का मान ज्ञात करना है, तो बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई। तो प्यारे बच्चों बड़े वृत्त की जो जीवा की लंबाई है वो कौन है? AB। आपको AB ज्ञात करना है, और AB जो ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, हम लोग आराम से AB ज्ञात करेंगे। आइए सबसे पहले हम यहां से यहां तक ज्ञात करते हैं। तो यहां से यहां तक ज्ञात करने का एक कंडीशन है, ये देखो आपका 90 अंश का कोण है, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपकी क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी, और ये आपका लंब हो जाएगा। तो आइए हम आराम से ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज OPA में, त्रिभुज OPA में। पहले आप बताइए यहां तक इतना सवाल समझ में आया है ना? क्या कह रहा था कि एक दो संकेंद्री वृत्त है, एक छोटा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, एक बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अब कह रहा बड़े वृत्त की जीवा की उस जीवा की लंबाई बताओ मुझे जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही हो। भैया अगर आप एक यहां खींच देते तो यार ये जीवा तो इसको स्पर्श करती ही नहीं, स्पर्श करनी चाहिए बस उसकी लंबाई ज्ञात हो, तब वही हम लोग ज्ञात करने चल रहे हैं। OPA में, OPA में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या कहता है? OA का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? OP का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा? PA का वर्ग। चलिए इस ये कितना है प्यारे बच्चों? 5 है, और ये कितना है? 3 है, और ये कितना है आपका? ये पता नहीं, इसी को तो ज्ञात करना है। तो ये 25 आ जाएगा, ये 3 त्रिक का 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा PA का, ये 9 इधर आएगा तो +9 बराबर किधर आएगा प्यारे बच्चों? तो -9 होगा, ये आ जाएगा PA का वर्ग। अब 25 में से 9 घटा देते हैं प्यारे बच्चों, तो 25 में से 9 अगर घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 बराबर PA का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PA का वर्ग। इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा, आ जाएगा PA, और ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। यानी प्यारे बच्चों PA यानी कहने का मतलब है कि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो अगला भी दूरी क्या होगी? 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमें अभी हमने पढ़ा था कि जो PA और PB, जो PB और AB है वो आपस में क्या है? बराबर है। तो हमको तो AB ज्ञात करना, तो AB ज्ञात करने के लिए दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अतः क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? अतः बड़े वृत्त की, बड़े वृत्त के जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई। तो बड़े वृत्त के जीवा की लंबाई की बात करें तो इसमें दो चीज आ जाता है, एक आता है PA और एक आता है PB।
तो पीए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, अगले की भी वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो जोड़ दिए कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार करें बच्चों, आपका 7वां सवाल भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको अभी तक किसी भी सवाल में कोई भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी डाउट है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आप कमेंट सेशन में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, और आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो गाइस, स्क्रीन पे आपको 8 नंबर प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, क्या कह रहा है दोस्तों, आप सवाल को आराम से पढ़िएगा और जो चित्र बनाया गया है उस चित्र को सवाल से समझिएगा क्या कह रहा है, बाकी तो सवाल आपका मक्खन हो जाएगा। एक वृत्त के परिगत, ये कोई प्यारे बच्चों वृत्त है, इस वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी एबीसीडी खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, सिद्ध ये करना है, बहुत ही मक्खन वाला सवाल है, बिल्कुल आसान से हम लोग सिद्ध करेंगे। सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी, ठीक, ए बी प्लस सी डी बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए डी प्लस बी सी, यही सिद्ध करना है, एडी प्लस बी सी, यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आइए हम लोग आराम से सिद्ध करते हैं कि आखिर ए बी और बी सी और ये सी डी कैसे क्या है बराबर। ठीक, तो गाइस आपको ये सिद्ध करना है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ये सवाल हम लोग हल करने से पहले एक इसके पीछे जो रचना है वो हम समझते हैं प्यारे बच्चों। आप अगर यहां पर पहले दूसरे तीसरे सवाल से अगर आप ध्यान देते आ रहे होंगे कि जैसे ये कोई वृत्त हो गया और ये वृत्त पे खींची गई किसी बिंदु से स्पर्श रेखा हो गया, किसी बिंदु से खींची गई ये रेखा स्पर्श रेखा है प्यारे बच्चों। तो अगर हम इसे ए नाम दे दें, इसे नाम दे दें बी, अगर पीए 4 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, तो अगला पीबी भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होता है। बाह्य बिंदु बाहर स्थित किसी भी एक बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है प्यारे बच्चों, बराबर होती। तो वही रचना हम यहां पर करेंगे और इसी के मदद से हम लोग इस सवाल को हल करेंगे प्यारे बच्चों। तो देख पा रहे होंगे, यहां लिखेंगे कि अगर देख पा रहे होगे आप लोग प्यारे बच्चों, तो यहां देखिए ए से ये वाली रेखा और ए से ये वाली, यानी जो एपी है वो एएस के क्या है, बराबर है। एपी जो है वो एएस के क्या है, बराबर है। हम यहां से ये चीज यहां लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हैं कि लिखेंगे बिंदु ए से, तो यहां से आप देखिए जो ये ए बी रेखा है और जो ए डी रेखा है, ए बी और ए डी परस्पर एस और पी पर स्पर्श कर रहे हैं। तो ये लिखेंगे हम लोग रचना में क्या लिखेंगे, या उत्पत्ति में क्या लिखेंगे कि चूंकि जो ए बी रेखा है ए बी तथा ए डी, ए बी तथा ए डी परस्पर एस और पी पर, एस और पी पर, या पी और एस पर, पी और एस पर स्पर्श कर रही है। तो प्यारे बच्चों बताओ, अब जब ये स्पर्श कर रही तो सेम इसके जैसा हो गया, यानी हम लिख सकते हैं एपी बराबर एएस, अब एपी बराबर एएस, ठीक, ये हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब इसी प्रकार पुनः अगर हम ये लाइन लिखें, पुनः ये लाइन रिपीट करें, तो अब बी से बात करेंगे, बिंदु बी से, तो बिंदु बी से अगर हम बात करें, तो बिंदु बी से बात करते समय जो ये बीसी रेखा है, बीसी रेखा क्यू पर स्पर्श कर रही है और जो ए बी रेखा है वो किस पे स्पर्श कर रही है प्यारे बच्चों, पी पर स्पर्श कर रही है। यानी हम लिख सकते हैं पुनः ए बी तथा बीसी,
एबी तथा बीसी परस्पर परस्पर पी और क्यू पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। पी और क्यू पर स्पर्श कर रही है। अब आप बताइए, जब ए बी जो है परस्पर, ए बी और जो बी सी है, ए बी और जो ये बी सी है वो पी और क्यू पे स्पर्श कर रही है, तो अतः हम लिख देंगे जो पी बी है वो किसके बराबर हो जाएगा? बी क्यू के। तो जो पी बी है प्यारे बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगा? बी क्यू के। अतः इसी प्रकार अगर हम लिखना चाहें तो क्यू क्या लिख सकते हैं? आर सी बराबर क्यू सी, डी आर बराबर डी एस, ये चीज लिख सकते हैं। इसी प्रकार लिखा जा सकता है जो डी आर है, डी आर किसके बराबर? डी एस के। और अगला, जो आर सी है वो सी क्यू के बराबर, आर सी बराबर सी क्यू। इतनी बात आपको समझ में आई? क्यों ये बराबर है? क्योंकि एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा ये है, एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा ये है। और प्रमेय कहता है कि किसी एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती? सेम होती है प्यारे बच्चों। अब अगर हम बात करें, चित्र में ध्यान से देखें तो हमको ए बी प्लस सी डी बराबर ये लाना है। तो अब यहीं से शुरुआत भी करेंगे। आकृति से अगर देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, तो हम ए बी प्लस सी डी को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, ए बी को हम लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, ए पी और प्लस क्या लिख सकते हैं? पी बी। यानी ए बी को हम ए पी और पी बी के रूप में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अगली लाइन, जो सी डी है, सी डी उसको हम डी आर प्लस आर सी लिख सकते हैं। डी आर प्लस क्या लिख सकते हैं? आर सी लिख सकते हैं। क्या आपकी इतनी बात क्लियर हो रही होगी प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। ये चीज हम लोगों ने कहां से पाया? ये चीज हम लोगों ने चित्र से पाया है। अब आप देखिए, जो एपी है वो एएस के बराबर है, तो अब हम एपी के स्थान पे एएस रख सकते हैं। और जो प्यारे बच्चों पीबी है, जो पीबी है वो बी क्यू के बराबर है। इधर देखिए, जो पीबी है वो किसके बराबर है? बी क्यू के बराबर है, बी क्यू के बराबर है। और जो डी आर है, जो आपका डी आर है वो डी एस के बराबर। यहां देखिए, डी आर जो है वो किसके बराबर है? डी एस के बराबर है। और जो आर सी है, वो किसके बराबर है? सी क्यू के। इधर देखिए, आर सी के स्थान पे आपने क्या रख दिया? सी क्यू रख दिया। अब आपको चित्र से ध्यान देना कि किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है प्यारे बच्चों? एएस और डीएस, एएस और डीएस। यानी हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो एएस प्लस क्या कर देते हैं? डीएस। और इधर बी क्यू प्लस क्या आ गया? सी क्यू। अब आप देखिए, एएस और डीएस मिलके एडी आ गया। क्या आ गया? एडी। और बी क्यू, बी क्यू और सी क्यू मिलके आ गए बी सी। तो प्यारे बच्चों हम ये लिख सकते हैं ए बी प्लस सी डी। ये आप मिला लीजिए, देखिए दोनों पक्ष आपके बराबर आ गए नहीं? ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। हम इसको शॉर्ट रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि बाह्य बिंदु से डाले गए जो स्पर्श रेखा होते हैं, या बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती। बस इसी रचना पे आपका पूरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 8 प्यारे बच्चों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बातें करते हैं प्रश्न नंबर 9 का। तो गाइस, प्रश्न नंबर 9 आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्या कर रहा? संलग्न आकृति में एक्स वाई और एक्स डैश वाई, एक्स वाई और एक्स डैश वाई केंद्र ओ से ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। ओ केंद्र वाले इस वृत्त की ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। भैया ये कोई एक वृत्त है और इस वृत्त की एक स्पर्श रेखा एक्स वाई है और दूसरा एक्स डैश और वाई डैश है। और स्पर्श बिंदु सी और ए है, और स्पर्श बिंदु क्या है प्यारे बच्चों? सी है, सॉरी ए नहीं है, स्पर्श बिंदु क्या है? सी है।
आगे कह रहा है ए बी एक्स वाई को, ए बी जो है एक्स वाई को ए पर क्या करता है प्रति, एक्स वाई को बी पर प्रतिच्छेद करता है। सॉरी सवाल आपका जो है ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा इसमें छोटा अक्षर लिखा है इसलिए नहीं ध्यान दिए। क्या कर रहा है, जो ये ए बी स्पर्श रेखा है ना वो एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करता है, ये सवाल है। आगे कर रहा है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी बराबर 90, तो सिद्ध करना है ए ओ बी यानी पूरा ये टोटल एंगल क्या है 90 अंश है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से एक बार मैं सवाल आपको फिर से समझा रहा हूं यार, देख लो ये कोई एक वृत्त है, इस वृत्त की ये एक स्पर्श रेखा एक्स वाई है, दूसरी स्पर्श रेखा एक्स डैश वाई डैश है, ठीक इतनी फंडा बात क्लियर हो गए। अब आगे कह रहा है कि इसकी एक स्पर्श रेखा ए बी जो कि एक्स डैश वाई डैश को बी पर काटती है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो आगे आपको सिद्ध करना है एंगल ऑफ ए ओ बी बराबर 90, तो जो पहले लिख करना है वही चीज लिख दे रहे हैं, सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है एंगल ऑफ ए ओ बी बराबर 90 अंश। बिल्कुल आसान भाषा में हम अभी सिद्ध करने वाले प्यारे बच्चे, एकदम मक्खन वाले भाषा में क्या कर रहा है ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं रफली आपको समझा देता हूं, देखो अगर मैं आपसे बात करूं यहां 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 और ये पूरा एंगल की बात करूं तो टोटल एंगल 180 अंश हो जाएंगे, क्योंकि रेखीय युग्म बन जाता है ना। अब बताओ जब टोटल एंगल 180 हो जाएंगे, अगर ये वाला इसके बराबर हो जाए और ये वाला इसके बराबर हो जाए तो बात बन सकती है। तो बात बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे और इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ओ पी ए और ओ सी ए ना, ओ पी ए और ओ सी ए, त्रिभुज ओ पी ए तथा त्रिभुज ओ सी ए, त्रिभुज ओ पी ए त्रिभुज ओ सी ए में ना। अब ध्यान से देख लो ओ पी ए में जो ये वाला एंगल है ये भी 90 है और ये भी 90 होगा। क्यों 90 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं सदैव सम, या हम कह दें कि जो हमारी वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे समकोण अंतरित करती है ना, या लंबवत होती। तो देख लो ये त्रिज्या है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो 90 अंश का कोण अंतरित करेगी, तो वहां पर लिख देंगे एंगल पी बराबर एंगल सी। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों आपके क्या है समकोण है। क्या इतनी बात क्लियर है, अब आगे ध्यान दे लो भैया। अगला क्या, जो OA है वो दोनों में कॉमन है, इधर के लिए भी उधर के लिए भी, तो OA बराबर OA मतलब जिसे हम कहेंगे उभयनिष्ठ भुजा। कौन सी भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अगली बात करें तो अगली बात ये है जो OP है वो OC के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों वृत्त की क्या है त्रिज्या है। आप इस प्रकार प्रूफ कर सकते हैं, या हम दूसरे शब्दों में बात करें प्यारे बच्चों तो जो PA है और जो AC है वो भी दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि वो एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। तो आप चाहे जो भी कह सकते हो, तो OP बराबर OC, OP बराबर OC लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या। अब बताओ कौन सा नियम लगा यहां, देखो साइड साइड एंगल, तो एस ए एस साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ये जो दोनों त्रिभुज हैं त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम होंगे त्रिभुज ओ सी ए के। अब बताओ जब त्रिभुज ओ पी ए ओ सी ए सर्वांग सम हो गए तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की जो संगत कोण होते हैं आपस में सेम टू सेम डिट्टो होते हैं, बराबर होते हैं भैया। तो लिख दे रहे हैं देखो, अर्थात लिख देंगे एंगल ऑफ पी ओ ए, या इसका अगर नाम दे दें एक और इसका नाम दो, इसका नाम तीन, इसका नाम चार ना, तो हम लिख सकते हैं एंगल एक और एंगल दो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।
तो एंगल एक बराबर एंगल दो, कारण दे देते हैं भैया सीपी सीटी, और समीकरण नंबर एक सर्वांग सम त्रिभुज के संगत हो जाए ना, हम कह सकते हैं कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ना। अब भैया समीकरण नंबर एक बन गया। यार जैसे आपने ये चीज किया ना, वही सेम प्रोसेस हम इस वाले त्रिभुज में कर दें, इन दोनों में चाहो तो आप लिख दो इसी प्रकार लिख दो, या तो आप काम सर्वांग सम सिद्ध कर दिखाओ, इसी प्रकार लिख लीजिए। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं, OQ और OC वृत्त की त्रिज्या हो गई, OQ और OC वृत्त की त्रिज्या हो गई, और ये वाले भाई साहब समकोण हो गए, और ये आपकी उभयनिष्ठ हो गई, तो यस ए यस सर्वांग समता नियम से ये भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो लिख देंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे इसी प्रकार, अगला वाला जो त्रिभुज है OCB, त्रिभुज OCB तथा और एक त्रिभुज है OQB, त्रिभुज ओ क्यू बी एक दूसरे के सर्वांग सम है, एक दूसरे के क्या है सर्वांग सम है। अब बताओ जरा सा, जब ये एक दूसरे के सर्वांग सम है कैसे है, एक बार देख लो, ये वाले कोण बराबर, ये उभयनिष्ठ, ये और ये त्रिज्या दोनों, तो एस ए एस से आप सर्वांग सम सिद्ध कर दिए। अब बताओ जब सर्वांग सम सिद्ध है तो कोण तीन कोण चार के क्या होगा बराबर होगा, कोण तीन कोण चार के क्या होगा बराबर होगा, समीकरण नंबर दो क्यों बराबर होगा भाई सीपी सीटी। चलो अब हम बात करते हैं, आ जाओ पूरे की बात करें, पूरे की एक दो तीन चार, चारों मिलके 180 अंश होंगे, तो कोण एक कोण दो कोण तीन कोण चार बराबर 180 अंश। क्यों 180 अंश है, एक ही रेखा पे बना कोण, या इसे हम कहते हैं रैखिक। चले आगे बात करते हैं, तो देखो यार यहां आप देखो एंगल एक दो के बराबर है, तो जहां एंगल एक है वहां हम एंगल दो भी रख सकते हैं। चलो अब एंगल जो चार है, एंगल जो चार है वो एंगल तीन के बराबर, एंगल चार के स्थान पे हम एंगल तीन रख देते हैं बराबर 180। अब आप कहेंगे सर क्यों अगले वाले को नहीं बदले, भाई मुझे यहां दिखाना ना ये वाले टोक्यो, और मुझे ये एंगल चाहिए, तो इसलिए मैं इस वाले एंगल को इसके रूप में लिख दिया और इस वाले एंगल को इसके रूप में लिख दिया, समझे आप। अब बताओ एंगल दो और एंगल दो मिलके हो गए दो एंगल दो, और वहां पर दो एंगल तीन हो गए बराबर 180। बताओ दोनों में दो कॉमन है, एंगल टू प्लस एंगल थ्री बराबर 180। अब बताओ दो से कट गए ये कितने आ गए 90। अब देखो एंगल दो और एंगल तीन, एंगल दो और तीन यहां से लेके यहां तक जिसे हम कर रहे हैं ए ओ बी, जिसे हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी और बराबर क्या 90 अंश। शायद प्यारे बच्चों आपको यही सिद्ध करने के लिए दे रहा था कि आप एंगल ए ओ बी बराबर क्या प्रूव कीजिए 90 अंश। तो इस प्रकार आपका 9वां नंबर भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको 9 नंबर प्रश्न जरूर समझ में आया होगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो गाइस हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 का, 10वां प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। मान लेते हैं प्यारे बच्चों ये बाह्य बिंदु है, इनसे खींची गई ये स्पर्श रेखाओं के जो ये बीच का कोण है, ये वाला कोण आगे कह रहा है, आगे कह रहा है स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, स्पर्श बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड ये है, तो ये मिलाने वाली रेखाखंड के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है, यही आपको सिद्ध करना। यानी प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला दोनों एंगल मिलकर 180 अंश प्रूफ करना, बस यही चीज हमको प्रूफ करना। प्यारे बच्चों एक बार मैं सवाल को फिर से पढ़ दे रहा हूं, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींचे गए स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और दोनों स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है, मतलब ये दोनों मिलके 180 अंश होते हैं, यही कहने का मतलब है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसके लिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ध्यान से देखना है, केवल केवल एक मिनट, आप एक रचना भी पढ़े थे
जो वृत्त बाह्य बिंदु से जो खींची गई स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती, बनाती है या नहीं बनाती? तो हम यहां लिखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे एपी, जो ये एपी है, या कह दें हाँ एपी स्पर्श रेखा, एपी स्पर्श रेखा ओ ए त्रिज्या पर समकोण अंतरित करती है। यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, एपी स्पर्श रेखा, एपी स्पर्श रेखा, यानी ये जो एपी स्पर्श रेखा है वो ओए त्रिज्या पर, क्या ओए त्रिज्या पर क्या करती है, समकोण अंतरित करती है, क्या करती है, समकोण अंतरित करती है। समकोण अंतरित करती है अर्थात ये 90 अंश होगा। हम लिख सकते हैं पी ए ओ या ओ ए पी, एंगल ओ ए पी बराबर 90, समीकरण नंबर एक हो गया। ठीक, अब आप अगला ध्यान दीजिए, इसी प्रकार जो पी बी स्पर्श रेखा है, इसी प्रकार पीबी स्पर्श रेखा, पीबी स्पर्श रेखा ओबी त्रिज्या पर, ओबी त्रिज्या पर समकोण अंतरित करती है, समकोण अंतरित करती है। अब बताओ जब समकोण अंतरित करेगा अर्थात हम लिख सकते हैं ओबीपी, एंगल ओ बी पी बराबर 90, समीकरण नंबर दो। इतनी बात आप समझे, क्या इतनी बात आप समझ पाए? अगर हम समीकरण एक और दो को जोड़ दे तो, समीकरण एक और दो को जोड़ दे तो, या ना जोड़े जोड़ देते हैं, जैसी इच्छा आपकी, दोनों प्रकार से आप हल कर सकते हैं। तो समीकरण एक प्लस दो से एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी बराबर 90, 90 90 180 हो जाएंगे फिर बच्चों, तो 90 90 हो जाएगा 180, समीकरण नंबर तीन। अब आ जाइए यहां से छोड़कर सेकेंड स्टेप में चलते हैं, चतुर्भुज ए पी बी ओ, चतुर्भुज, चतुर्भुज ए ओ बी पी में हमने पढ़ा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, अर्थात एंगल ए, एंगल ओ, एंगल पी, एंगल बी बराबर 360। अब आप ध्यान से देखिए, तो एंगल ए को ही हम ओ ए पी लिखते हैं, अर्थात एंगल ए को हम ओ ए पी रख सकते हैं, एंगल ओ को नहीं रख सकते, एंगल पी को, एंगल बी को हम ओ बी पी रख सकते हैं, ओ बी पी बराबर 360। अब आप ध्यान से देखो, तो समीकरण तीन कहता है कि ओ ए पी और ओ बी पी 180 अंश के बराबर है, तो ओ ए पी और ओ बी पी, ओ ए पी यानी प्यारे बच्चों ये वाला पोर्शन और ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा 180 अंश के बराबर है, तो एंगल ओ प्लस एंगल पी बराबर प्लस क्या हो जाएगा 180, ये दोनों मिलके 180 हो गए बराबर 360। ये चीज उधर चला जाए तो क्या हो जाएगा बताइए, 180 उधर घट जाएंगे, तो एंगल ओ प्लस एंगल पी 360 माइनस 180 घटा दें, एंगल ओ प्लस एंगल पी बराबर आ जाएगा 180। अतः यही तो हम चाह रहे थे कि ये आमने सामने के कोण 180 अंश हो जाए, अतः हम लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं, अतः इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि एंगल ओ एंगल पी के संपूरक हैं, क्या है प्यारे बच्चों, संपूरक हैं। तो इस प्रकार आपका 10वां नंबर भी प्रश्न कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। तो गाइस प्रश्न नंबर 11 का रहा कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज
सम चतुर्भुज होता है। यानी आपके इस चित्र व्हाइट बोर्ड पे एक चित्र दिखाई पड़ा प्यारे बच्चों, ये एक वृत्त है, इसी के परिगत ये चतुर्भुज एबीसीडी बना है। आपको सिद्ध करना है कि ये एबीसीडी एक सम चतुर्भुज होता है। तो हम लोग बिल्कुल आसान से प्रूव करेंगे, सम चतुर्भुज का मतलब चारों भुजाएं आपस में अगर बराबर हो जाएं तो ये सम चतुर्भुज होता है। तो रचना हम लोगों ने कुछ किया है, वो रचना हम पहले लिख देते हैं प्यारे बच्चों। वो रचना क्या है? सबसे पहला ए और सी को मिला, ए सी, ओपी और ओ क्यू, ओपी और ओ क्यू को मिलाया। इतना काम हम लोगों ने रचना में किया है। फिर कुछ चीजें और हैं, हम जानते हैं प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से, किसी भी एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं जो PB है वो BQ के बराबर होगा, जो PB है वो किसके बराबर होगा? BQ के। जो RC है वो CQ के, जो RD है वो DS के, जो AS है वो AP के क्या होगा? बराबर होगा। ये चीज हम लोग शुरू से लेकर अभी तक सीखते आ रहे हैं। अब हमको जो प्रूफ करना है वो तो करना है कि यार ये वाली पूरी AB भुजा BC के बराबर, BC वाली DC के, DC वाली AD के, AD वाली AB, चारों भुजाएं बराबर है। तो उसी को बराबर करने के लिए हम लोगों ने ये रचना किया है। अब यहां त्रिभुज APO, त्रिभुज APO तथा अगला जो त्रिभुज है वो अगला त्रिभुज आपका है OQC, त्रिभुज OQC में जो एंगल P है वो एंगल Q के बराबर। क्यों बराबर है भाई? क्योंकि दोनों 90 अंश है। ठीक, अगला ध्यान से देखिए, जो OP है वो OQ के बराबर, OP OQ के बराबर। क्यों बराबर? वृत्त की त्रिज्या है। क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। अब आप बताओ, जब ये वृत्त की त्रिज्या दो बराबर हो गए, एक और बराबर कर लीजिए, बस आप एक आप और बराबर कर लीजिए। अब आपकी अगली भुजाएं क्या बराबर होने वाली वो आप सोचिए जरा सा। तो गाइस ये दो भुजा, एक कोण बराबर कर लिए, एक भुजा बराबर कर लिए। अब आप अगला देख रहे होंगे, जो ये एंगल है ये वाला और ये वाले एंगल आपस में क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का जो कोण होता है, सॉरी, जो चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का आपने आधा किया है, ये लाइन से आपने आधा किया, अर्थात कह सकते हैं कि चतुर्भुज के सामने के अर्धक कोण, अर्धक कोण मतलब आधा कोण आपस में क्या होते? बराबर होते। अर्थात इसको लिख दे यार एक और इसे लिख दे दो, तो एंगल एक एंगल दो के बराबर। क्यों? चतुर्भुज के क्या? चतुर्भुज के सामने के अर्धक कोण, सामने के अर्धक कोण, अर्धक कोण। ठीक, ये हो गए। कौन सा नियम लगा? साइड एंगल एंगल ना, तो एंगल साइड एंगल ASA सर्वांग समता नियम से, ASA सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज APO सर्वांग सम है, त्रिभुज OQC। अब प्यारे बच्चों जब ये सर्वांग सम है तो हम लिख सकते हैं जो ये CQ भुजा है वो AP के क्या है? बराबर है। CQ जो है वो AP के क्या है? बराबर है। CQ AP के बराबर है। क्यों? CP CT, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब इसी प्रकार अब हम अगर ये बराबर है तो ये PB जो है वो BQ के क्या होगा? बराबर होगा। PB BQ के क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि स्पर्श रेखा है एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा। अब आप समझो, अब आप समझिए प्यारे बच्चों, इसी बिंदु से ये भी स्पर्श रेखा खींची गई है, इसी बिंदु से ये भी स्पर्श रेखा खींची गई, इसीलिए दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या है? बराबर है। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों पक्षों में या CQ जोड़ दें या AP जोड़ दें, तो चाहे जो भी जोड़ सकते हैं, तो दोनों पक्षों में
पक्षों में एपी जोड़ने पर। अब बताओ जो एपी जोड़ेंगे तो यहां पीबी प्लस क्या आ जाएगा, एपी आ जाएगा, और यहां बीक्यू प्लस एपी आ जाएगा, बीच में बराबर का चिन्ह। अब देखो आपने यहां कहा कि जो एपी है वो सीक्यू के बराबर हो जाएगा, तो यहां जो एपी है हम वहां सीक्यू लगा सकते हैं इस यहां केवल, तो और ये पीबी प्लस एपी आया बराबर बीक्यू प्लस क्या आ गया सीक्यू। अब आप देखिए जो पीबी और एपी मिलके ए और बी का निर्माण कर रहे हैं अर्थात ये एबी के बराबर होगा, और जो अगली होगी बीक्यू और सीक्यू मिलके बीसी का निर्माण कर रहे हैं, तो एबी बराबर क्या हो गया बीसी हो गया। अब इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर एक। इसी प्रकार प्यारे बच्चों इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जब हमने एबी को बीसी के बराबर प्रूफ कर लिया तो सेम प्रोसेस हम यहां पर भी कर सकते हैं। अगर रचना करें तो ऐसा चित्र यहां पर बन जाएगा, एक ऐसे करके और एक ऐसे करके, ठीक। तो इसी प्रकार हम यहां ये लिख देंगे जो डीसी है वो एडी के बराबर हो जाएगा, इसी प्रकार जो डीसी है वो एडी के क्या होगा बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर दो हो जाएगा। जो डीसी है ये वाली भुजा वो एडी के बराबर हो जाएगी। अब अगर हम इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो AD जो है वो AB के बराबर हो जाएगा, जो AD है वो AB के बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर कौन हो जाएगा तीन हो जाएगा, ठीक। और उसी प्रकार हम कह सकते हैं जो DC है वो आपकी BC के बराबर हो जाएगी, जो DC है वो किसके बराबर हो जाएगी BC की, समीकरण नंबर चार। अब एक दो तीन और चार, समीकरण एक दो तीन व चार से क्या कह सकते हैं, शुरुआत करो, जो ए बी है वो बीसी के बराबर, अब जो बीसी है वो डीसी के बराबर, और जो ये डीसी है वो एडी के बराबर, जो डीसी है वो किसके बराबर ए बी के बराबर। अब देखिए जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो कौन सा चतुर्भुज होता है प्यारे बच्चों, सम चतुर्भुज। अतः लिख सकते हैं ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है, ठीक। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 11, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बातें करेंगे प्रश्न नंबर 12 की। तो गाइज आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, प्रश्न में ये कह रहा है कि आपको जो ये एसी भुजा है और एबी भुजा यही आपको ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, एसी ज्ञात करना और एबी ज्ञात करना है। तो एसी और एबी को ज्ञात करने के लिए कुछ रचना करना पड़ेगा, वो रचना हम लोग यहां पर करते हैं प्यारे बच्चों। तो अगर ध्यान से देखिए तो रचना कुछ इस प्रकार करेंगे हम लोग कि रचना इस प्रकार होने वाला प्यारे बच्चों कि ये जो रेखा खींची गई है ये रेखा, और इस रेखा को हम लोग हटाते हैं, फिर से एक बार इसका क्या कर लेते हैं रचना करते हैं। तो रचना करेंगे तो कुछ ए एक रचना हम लोगों ने इनसे थोड़ा सा आप लोग स्केल का मदद लीजिएगा तो ये यहां पर आके प्रतिच्छेद करेगा, ठीक। एक रचना ये हो गया, अगली रचना करेंगे तो ये वाली यहां से होकर तो यहां ये जो बिंदु E है वो यहां नाम दे देते हैं ना। अब ध्यान से देखिए तो जो जो रचना हम लोगों ने किया है वो रचना मिला लिखेंगे, रचना क्या लिखेंगे, रचना में सबसे पहले लिखेंगे बी एफ यानी एफ बी और सी ई यानी ई सी को मिलाया, बस इतना आपने रचना किया है। आगे ध्यान से देखिए, अब आप देखिए कि यहां से लेके अगर छह है तो प्यारे बच्चों ये भी छह हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये छह इसलिए होगा क्योंकि एक ही बिंदु से ये भी स्पर्श रेखा है, एक ही बिंदु से ये भी स्पर्श रेखा है। अगर आठ ये है तो आठ ये भी हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा ना। अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों कि ये वाला भुजा एक्स मान ले तो ये भी भुजा क्या हो जाएगी एक्स हो जाएगी। अगर मैं आपसे टोटल की बात करूं, टोटल यानी यहां से लेके यहां तक तो x प्लस छ हो जाएगा प्यारे बच्चों, टोटल यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो x प्लस क्या हो जाएगा छ हो जाएगा ना।
और यहां से लेके यहां तक की टोटल हो जाएगी x प्लस आठ। अगर आपको इतनी बात समझ में आया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं और ये टोटल हो जाएगी 8 6 14। बस अब आगे आपको करना क्या है, प्रोसेस क्या है वो आप ध्यान से देखिए। प्रोसेस ये है प्यारे बच्चों कि आपको सबसे पहले पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। और पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद ये जो त्रिभुज आपका तीन भागों में बटा है प्यारे बच्चों, एक ये वाले त्रिभुज देख रहे हैं आप, ये वाला त्रिभुज यहां से लेके यहां तक, और एक वाला ये वाला त्रिभुज यहां से लेके यहां तक, और एक जो है एक त्रिभुज, और एक त्रिभुज ऐसे यहां से हो गया, अगला त्रिभुज यहां से हो गया, और एक वाला ये वाला प्यारे बच्चों। यानी हम अभी लिख रहे हैं, अभी उन तीन भागों का क्षेत्रफल निकाल के हम बराबर कर देंगे तो हमारा सवाल आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हीरोन के सूत्र का उपयोग करेंगे। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है भाई, हीरोन का सूत्र होता है अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो सबसे पहले हम यस ज्ञात कर लेते हैं। यस होता है परिमाप, यानी इनके तीनों भुजाओं का योग। तो एक है एक्स प्लस छ, और एक है एक्स प्लस आठ, और एक है प्यारे बच्चों 8 6 पूरा 14 बटे कितना होता है 2। तो एक्स एक्स जोड़ के हो गए 2x, 8 14 8 6 14 14 14 28 बटे 2। ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां आ जाएगा एक्स और यहां आ जाएगा 14 और बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ गई एक्स प्लस 14। आपने यस का मान निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हीरोन के सूत्र से बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, पहले हीरोन के सूत्र का फॉर्मूला उपयोग करेंगे, एस होगा, फिर क्या होगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, क्या हो जाएगा एस माइनस सी ना। अब ध्यान से देखना, तो एस की वैल्यू रख देते हैं यहां से, एस की वैल्यू, तो यस की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, एक्स प्लस 14 है, एक्स प्लस कितना है 14 है। अगला एस माइनस ए, तो यस तो वही है एक्स प्लस 14 माइनस ए, तो ए के स्थान पे अगर हम एक्स प्लस 6 रख दें, यहां पर देखिए एक्स प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहां पर, ठीक। आगे ध्यान से देखिए, आगे आपको ध्यान से देखना अगला क्या है, अगला आपका है फिर यस माइनस बी, तो एस माइनस बी, यस के स्थान पे एक्स प्लस 14 है और बी के स्थान पे प्यारे बच्चों क्या है एक्स प्लस 8 है, एक्स प्लस 8 है, और फिर अंडर रूट में एस माइनस सी, एक्स के स्थान पे एक्स प्लस 14 माइनस सी, तो सी के स्थान पे भैया 14 है। चलिए अब हम इसको हल करते हैं, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा तो क्या आ जाएगा, यहां पर x प्लस 14 मिलेगा आपको एक कोष्टक में, x x कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 6 घट जाएगा तो 8 आ जाएगा, x x कैंसिल होगा तो 14 में से 8 घट जाएगा 6 आ जाएगा, 14 से 14 कैंसिल होगा तो यहां x आ जाएगा, समझे आप। तो आप देखिए अगर हम इसको गुणा करें तो 8 छंगे कितना हो जाएगा 48 x आ जाएगा, तो अंडर रूट में आ जाएगा एक्स प्लस 14 और कितना आ जाएगा यहां पर 48x, कितना आ जाएगा 48x, ठीक रखे रहिए। ये बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, बात समझे आप, बड़े वाले। अब इसी बड़े वाले त्रिभुज को, ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है, अब इसी बड़े वाले त्रिभुज को तीन भागों में बांटकर हम लगाएंगे। हमने इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्टली निकाला, अब इसी त्रिभुज को हम तीन भागों में बांटकर निकालेंगे और तब दोनों के एरिया को बराबर कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे। अब उसके लिए हम लोग एक रचना कर देते हैं, फिर से ये वाली लाइन, ये जो लाइन खींच रहे हैं यानी ए ओ को मिला देते हैं ना, तो जो ये त्रिभुज है वो त्रिभुज कुछ आपका बढ़ जाएगा ऐसे ए ओ सी, तो लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो दो भागों में बटेगा, तीन भागों में, कौन कौन है ए ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल
और प्लस क्या हो जाएगा, सी ओ बी ना, त्रिभुज सी ओ बी का क्षेत्रफल। तो फार्मूला हम लगाएंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार। अब ए ओ सी का आधार है 1+6 और ऊंचाई प्यारे बच्चों वही है जो इसकी है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ना, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4 ही सेंटीमीटर है ना प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर दिया होगा खुद आपके प्रश्नों में। हाँ, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 है, ये भी आपका 4 है, ये भी आपका 4 है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, एओसी का जो क्षेत्रफल है वो आधार कितना है, 1+6 है और ऊंचाई कितनी है, 4 है, इस बात को ध्यान देना है ठीक। प्लस 1/2 एओबी, एओबी का आधार 1+8 है और ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई वही 4 है। प्लस त्रिभुज सीओबी, सीओबी का आधार पूरा 14 है और ऊंचाई कितनी है, 4। तो जो कैंसिल हो रहा होंगे वो कैंसिल आप कर दीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कैंसिल हो गया ठीक। तो यहां पर आ जाएगा यक्स प्लस 6 आ जाएगा ना, दो सब में कॉमन है प्यारे बच्चों, दो सब में क्या है, कॉमन है, या तो आप गुणा कर दीजिए, तो 2x आ जाएगा प्लस 2 6 12, वहां भी 2x प्लस 2 8 16 और 14 2 28 ना। अब देखिए 2 2 4x, 4x और प्लस यहां कितना मिला है, 12 16 28 और 28 28 क्या हो गया, 56। तो ये आ गया 56। अगर हमने आपसे कहा कि यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले ले, 4, तो यहां पर आ जाएगा x+14, क्या आ जाएगा, x+14। ये भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है और वो भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे या नहीं होंगे भैया, दोनों बराबर होंगे ना, तो दोनों बराबर होंगे, तो आप ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 और 2 से ये पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या कर सकते हैं, यहां लिख देंगे अंडर रूट में x+14 और कितना है 48x, और इधर कितना है 4x प्लस कितना है 14। अंडर रूट हटाने के लिए प्यारे बच्चों हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। जैसे ही दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ x+14 और कितना बच जाएगा 48x आ जाएगा, और यहां पर 4 कितना आ जाएगा, 4 और 4 फिर x+14 का होल स्क्वायर ना, ये आ जाएगा। तो जरा सा अगर हम सोचें कि अगर इस 4 को, इस 4 को हम 4 × 4 रख दे तो होल स्क्वायर खत्म, और x+14 को x+14 एक बार और एक बार x+14 एक बार लिख दे, और इधर x+14 एक बार हो गया, ये 48x आ गए। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक खो 4 × 16 = 48 आ जाएंगे, तो इधर बचा 3x, क्या बचा प्यारे बच्चों, इधर बचा है 3x और उधर बचा है x+14, x+14 बचा है ना, तो x इधर आ जाए तो 3x - x = 14 ठीक, तो 2x = 14, 2 × 7 = 14, x = 7। अब x = 7 आ गया तो आपको एसी ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, एसी जो कि x+6 के बराबर है, तो x का मान 7 + 6 = 13, तो एसी का मान मिल गया। फिर आपको क्या ज्ञात करना है, एबी, क्या ज्ञात करना है, एबी, तो एबी जो है x+8 के बराबर है, तो x का मान 7 + 8, एबी बराबर कितना आ गया, 15। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप एसी और एबी का मान ज्ञात कर पा रहे हैं। एक बार आप इस सवाल को फिर से रफली समझिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लंबा नहीं है, बस ये नहीं मानना है कि सवाल लंबा नहीं, बस प्यारे बच्चों ध्यान से अगर देखेंगे तो आपके बुक में यह चित्र बनाया गया था, केवल रचना में हमने एफ बी और ईसी को मिलाया है और साथ में ए और ओ को मिलाया है ठीक। अब उसमें हमने पहले इस त्रिभुज ए बी सी या ए बी सी का हीरोन के सूत्र से फॉर्मूला क्षेत्रफल निकाला है, और एक बार इसी त्रिभुज को
तीन भागों में तोड़कर क्षेत्रफल निकाला, दोनों को बराबर कर दिए, एक्स का मान मिला, एक्स का मान रख दिए, हमको मिल गया प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आपका 12 नंबर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको 12 नंबर एक बार जरूर समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों तो केवल आप एग्जाम आपका काफी नजदीक है, तो एक बार आप इसका रिपीट जरूर कीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम इस अध्याय की लास्ट सवाल की चर्चा करते हैं। तो गाइज आपका जो 13 नंबर प्रश्न है ना, वो ये कह रहा है कि किसी वृत्त के परिघ जो बना हुआ चतुर्भुज है उसके आमने सामने के कोण जो होते हैं संपूरक होते हैं। मतलब यार जो एडी है ना, एडी के सामने का कोण ये है एंगल एक और एंगल दो, और जो ये बीसी है, बीसी के सामने का एंगल एंगल छह और एंगल पांच है। तो मिला जुला के एंगल छह और पांच मिलके बीओसी बना रहे हैं, और एक और दो मिलकर एओडी बना रहे हैं। तो इन दोनों कोणों का योग 180 हो जाए, या दूसरे भाषा में बात करें तो एंगल तीन और चार मिलके डीओसी बना रहे हैं, और एंगल आठ और सात मिलके एओबी बना रहे हैं। तो डीओसी और एओबी का योग 180 हो जाए, दोनों में से आप कोई भी एक प्रूव कर लो, आपका कंप्लीट हो जाएगा सॉल्व। तो उसके लिए हमने क्या कहा कि सबसे पहले हमको यह समझना है प्यारे बच्चों कि जो एंगल एक है वो एंगल आठ के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्यों एंगल एक एंगल आठ के बराबर होगा? क्योंकि जो स्पर्श बिंदु होता है वो केंद्र पर स्पर्श बिंदु से खींची गई रेखा केंद्र पे समकोण अंतरित करता है। यानी यहां से लेके टोटल, यहां से लेके टोटल इतना 90 हो जाएगा। अब हमने इसको आधे भागे में बांट दिया तो आधा इधर हो गया, आधा इधर, इसलिए कोण एक कोण आठ के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार सेम टू सेम कोण दो कोण तीन के बराबर होगा, कोण चार कोण पांच के, कोण छह कोण सात के बराबर होगा। अब हमने कहा बिंदुओं पर बना सभी कोणों का योग, तो हमने जोड़ा तो 360 हो गए। अब यहां पर ध्यान देना है जो एंगल एक है, एंगल दो है, अब एंगल तीन, एंगल तीन जो है वो किसके बराबर है देख लो, एंगल तीन एंगल दो के बराबर, एंगल दो रख देंगे। एंगल चार, एंगल चार जो है आपका एंगल पांच के बराबर है, तो एंगल पांच रख देते हैं। एंगल छह, एंगल छह जो है आपका वो आपका रहने दीजिए यहीं पर, इसको नहीं बदलना। अब आप कह रहे होंगे क्यों सर नहीं बदलना है? भाई देखिए जो यहां से यहां वाले में आ रहे हैं हम उनको बदलेंगे नहीं, छह और पांच को नहीं बदलेंगे, ना तो एक और आठ को बदलेंगे, या तो हम आठ को बदल देंगे ना, तो ये ध्यान देना बस। अब आप देखो प्यारे बच्चों, यानी कहने का मतलब है कि हम एक और दो को नहीं बदलेंगे और पांच और छह को नहीं बदलेंगे। तो चलो अब जो सात है वो सात किसके बराबर है? एंगल छह के, और एंगल आठ एंगल एक के बराबर है, बराबर 360। अब आप देखिए सब डबल डबल हो गए, एंगल एक एंगल पांच एंगल छह, दो एंगल वन आ जाएगा, फिर दो एंगल टू प्लस दो एंगल पांच प्लस दो एंगल छह बराबर 360। दोनों में सब दो दो कॉमन है, तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स बराबर 360। दो से कैंसिल किए भाई 180 आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो एंगल एक, एंगल एक और एंगल दो, एंगल एक और दो, एक और दो मिलकर ए ओ डी बना रहे हैं, तो एंगल ए ओ डी हो जाएगा। प्लस अगला पांच और छह, पांच और छह मिलके बी ओ सी बना रहे हैं, एंगल बी ओ सी बराबर 180। और आप प्यारे बच्चों यही प्रूफ करना चाह रहे थे, यही चीज आप प्रूफ करना चाह रहे थे। अब सेम प्रोसेस हम लोगों ने जिस प्रकार अभी एक और दो को नहीं बदला था, अब इस बार एक और दो को बदलकर दूसरे रूप में ला देंगे। जैसे मुझे अब अगली बार क्या लाना है, मुझे अगली बार ये लाना पड़ेगा प्यारे बच्चों, अगली बार मुझे आठ और सात नहीं बदलना रहेगा, आठ और सात नहीं बदलेंगे, तीन और चार नहीं बदलेंगे, बाकी सबको बदल देंगे, तो हमारा नेक्स्ट वाला भी पोर्शन आ जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 13 भी सवाल कंप्लीट होता है और पूरी अध्याय भी समाप्त हो जाता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रचनाएं के बारे में अध्ययन करेंगे, और रचनाएं एकदम सरल और आसान भाषा में समझाया जाएगा प्यारे बच्चों, वो भी दो क्लास में आपका समाप्त कर दिया जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ दोस्तों एक बात और ध्यान देना, उम्मीद है कि आज की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी कि दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।